तो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है उसको हम पता कैसे करें कि ये वन वे है या टू वे है? तो इसका तरीका ये होता है ना कि जो हमारा जिस कोई भी स्लैब होगा तो उसका दो स्पैन होता है, एक लॉन्गर स्पैन होता है एक शॉर्टर स्पैन होता है। तो जब हम इस लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन करते हैं हेलो इंजीनियर, मेरा नाम है शिवम पांडे, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी आज हमारी BBS की क्लास ख़त्म हुई। BBS में हम लोग को अभी तक फुटिंग में कैसे रेफोर्समेंट देते हैं, उसमें कटिंग बेंडिंग कैसे करते हैं, उसका शेड्यूल कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में, फिर उसी तरह हमें कॉलम के बारे में बताया गया, उसी तरह हमें बताया गया कि बीम कैसे करते हैं हम, उसके बाद स्लैब एंड रूफ बीम का कैसे करते हैं, फिर चेयर बार का कैसे करते हैं, अब पाइल फाउंडेशन में जो हम पाइल करते हैं उसमें बार कैसे प्रोवाइड करते हैं पाइल मतलब पाइलिंग का, और पाइल कैप में भी कैसे कटिंग और बेंडिंग करते हैं बार, उसको भी बारे में बताया गया हम लोग को। तो अभी आप अपने व्यूअर्स को क्या समझाना चाहेंगे यहाँ पर? सर मैं टू वे स्लैब के बारे में बताना चाहूँगा। बताइए टू वे स्लैब क्या होता है, थोड़ा एकदम डिटेल में समझाइए कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो जो टू वे स्लैब होता है, पहले तो हम जैसे कैसे जानेंगे अकॉर्डिंग ड्राइंग टू वे स्लैब है, तो जो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो होता है वो दो से कम या उसके इक्वल रहना चाहिए, वो टू वे स्लैब हो गया। और इसमें क्या होता है कि बीम चारों तरफ देते हैं और सपोर्ट भी चारों तरफ रहता है, और इस मेन बार लॉन्ग शॉर्टर स्पान के लॉन्ग करते हैं, फिर उसकी तरह इसमें क्या होता है मेन बार जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है वन वे स्लैब में, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार ही मेन बार होता है इसमें। इसमें भी क्योंकि क्रैंक इसमें चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इससे भी हम टू वे स्लैब को पहचान कर सकते हैं। जी सर, टॉप एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि वहाँ पे जो वो होता है टेंशन आता है वहाँ पर, जैसे ऊपर में टेंशन आता है तो वहाँ पे उसके लिए प्रोवाइड करते हैं जो नेगेटिव वेटिंग मोमेंट के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए जी टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। और इसका कटिंग लेंथ जैसे हमें फाइंड करना है, तो जैसे हमें जैसे शॉर्टर स्पान का कटिंग लेंथ फाइंड करना है तो उसमें उसमें नंबर ऑफ बार हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए हम शॉर्टर स्पान कहीं नहीं लेंगे, वो अलॉन्ग हम लॉन्गर स्पान का लेंगे नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए। और लेकिन जब कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे हम, तो जो हमारा शॉर्ट स्पान का रहेगा लेंथ वही को लेंगे हम, उसी को हम लेंगे। और वैसे संकन स्लैब में भी होता है, संकन स्लैब में क्या रहता है सर? संकन स्लैब सर हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें जैसे टॉयलेट बाथरूम ये सब बनाना रहता है, तो वहाँ पे संकन स्लैब देते हैं, क्योंकि अगर हम उसी के लेवल में दे देंगे स्लैब को तो जो पानी है पूरा हमारे रूम के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या होता है 350 ml नीचे डाउन करके हम उस संकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। और उसमें क्या होता है हम सिंगल मैच डबल मैच अकॉर्डिंग ड्राइंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना हम उसमें क्रैंक नहीं दिया जाता, उसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार से ऐसे ही रहता है नॉर्मल। और उसमें जो हमारे संकेत स्लैब होती है उसकी बार कहाँ पर रेस्ट होती है? सब बॉटम में करती है, बॉटम में करती है तभी हमको। हाँ बीम के बॉटम में रहता है वो, बीम के बॉटम में। और ऐसे ही मैं अनिल जी से बात करना चाहूँगा, ये अनिल जी हैं, थोड़ा अपने बारे में ये बताएंगे और फिर बताएंगे कि इनको BBS की क्लास कैसी लगी। गुड इवनिंग व्यूअर्स, माय नेम इज अनिल कुमार, मैं सिंदौली का रहने वाला हूँ। मुझे स्वीर गुरु जी यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि बहुत बढ़िया, मतलब फ्रेशर लोग जो नॉन टेक्निकल हैं उनको थोड़ा सा जो नॉलेज बहुत कम है वो नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, उसी के बेसिक में भी आया हूँ। तो हम लोग जैसे प्रीवियस क्लासेस जितनी भी एस्टिमेटिंग हुई, चाहे क्वांटिटेटिव सर्वे हुआ, सर्वेइंग हुआ, ये सब क्लास हम लोग रीड कर चुके हैं। उसके बाद अभी फिलहाल जो टॉपिक हम लोग का कम्प्लीट हुआ है वो है अपना BBS। BBS में कैसे हम लोग कटिंग निकालते हैं, कैसे बार कितना सरिया है, कहाँ लगती है, फुटी में कितनी लगती है, बीम में कितनी लगती है, स्लैब में कितनी लगेंगी, कॉलम में लगेगी, हम लोग सब कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हम लोग अभी हम लोग जिससे हम छज्जा के बारे में सर बताएंगे। तो छज्जा में जो हमारी जो ये लगती है जो बार्स लगती है, बार जो लगती है वो गन के शेप में लगती है, गम के शेप में लगती है। तो उसमें भी इसका जब हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं तो पहले हम लोग ए से बी तक की जो मेजरमेंट होती है उसको लेंगे, उसमें से जो कवर होती है अपने ऊपर नीचे इसको अपने माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बी से फिर सेट सी के डायरेक्शन में लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सी से डायरेक्शन बढ़ने में उसमें भी जो कितना लेंथ आएगा यहाँ पर सर आएगा ये 600 है। हाँ। जो ये जितनी छज्जा बाहर निकली है और प्लस जो वॉल की थिकनेस है, चाहे जो लिंटन मिलनी थिकनेस है, उसमें से दोनों साइड में कवर माइनस कर देंगे तो हम लोग बी से सी पहुँच जाएंगे। सी के बाद हम लोग सी से डी पहुँचते हैं, नीचे जाना है। तो जो हम लोग ए और बी का जो जताया है वैल्यू उतना बी और
सी और डी की भी आएगी। डी के आने के बाद हम लोग सीधे यहाँ पे ई बढ़ेंगे, ई में भी सेम उसी करेंगे, 200 जितने जैसा हमने स्टेटो का कैलकुलेट किया बस था, वैसे कर लेंगे। बस में से अपना क्लियर कोर माइनस करना है, ऐसे करने के बाद टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी छज्जा की कटिंग लेंथ आ जाएगी, उसमें से फिर जब ये हम लोग की जो आएगी वैल्यू उसमें से ये हुक लेंथ ऐड करेंगे और हुक लेंथ की जो ये है अपनी बेंड डिटेक्शन और हुक लेंथ जो बेंड दो आएगी, एक 90 डिग्री आएगी एक 135 डिग्री आएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल हमारी गन बार की कटिंग लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम पता करेंगे कि कैसे हम लोग कितनी नंबर ऑफ गन बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ जो हमारी लेंथ होती है छज्जा की वो यहाँ पे एक ड्राइंग में 1500 mm दिया गया है। अच्छा 1500 दिया गया और 100 एक्स्ट्रा लेते हैं लेकिन यहाँ पर अपना विंडो का एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जो बरसात का पानी है हमारे विंडो से न जाए, तो उसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा लेंगे उसको तो उसमें काउंट नहीं करेंगे, तो जो हमारी जो स्पेसिंग है गन बार की वो 150 mm की है, जस्ट सेंटर सेंटर है, तो इसमें हम लोग जो जितनी आई है उस अरे जितनी अपनी छज्जे की उसमें से हम स्पेसिंग माइनस करेंगे उतना हम लोग गन का नंबर आ जाएगा, कितना बार गन बार कितना लगेंगे, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसकी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो छज्जा की ये विड्थ होगी उसे 100 mm दोनों तरफ माइनस अरे जितना कवर होगा कवर जो है उसको माइनस करने के बाद जितना आएगा वो अपना क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आ जाएगी। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमारे ट्रेनी ने छज्जे के बारे में इसका रेंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरा एकदम डिटेल में इन्होंने समझाया इस चीज को। मैं अब नेक्स्ट चलता हूँ, ये हमारे हरि किशन जी हैं, जरा उनको थोड़ा फोकस करिए। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे और बताएंगे क्या आप पढ़ रहे हैं। सर हमारा नाम हरि किशन है, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। आज हम वन बेस्ट स्लिप के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि हमको इस समय BBS पढ़ाया जा रहा है, जो कि BBS में भी आप क्या कैलकुलेट करना सिखाएंगे व्यूअर्स को। BBS में हम वन बेस्ट स्लिप के बारे में हम आपको बताएंगे। वन बेस्ट स्लिप क्या होती है? वन बेस स्लैब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, दो से अधिक होता है या दो के बराबर होता है तो वो मतलब कि वन बेस स्लैब के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। इसमें मेन बार कैसे कहाँ डली होती है थोड़ा बताइए। इसमें जो मेन बार छोटे पार्ट पर डाली जाती है, जो कि मेन बार मतलब छोटे स्पान पे डाली जाती है और जो डिस्ट्रीब्यूटर बार जो लंबे पार्ट पर डाली जाती है उसके ऊपर डाली जाती है, जो कि स्पेसिंग सर ये है तो बेंड क्यों हुई है थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। ये मतलब कि बीच में क्या बोलते हैं, ये जो एक क्रैंक बार बोलते हैं इसको, जो कि बीच में सपोर्ट में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आने के कारण ये नीचे दबे ना इसलिए इसको मतलब कि क्रैंक इसमें मोड़ देते हैं जिससे कि हमारा जो लोडिंग रहे वो मतलब बैलेंस यहाँ क्रैंक बार प्रोवाइड कर देते हैं टॉप में ताकि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पर और कॉन्टैक्ट कर और किनारे से L/4 पर भी इसको मोड़ते हैं दोनों किनारे से। हाँ पूरी लंबाई के L/4 पर हम मोड़ते हैं और इसका अच्छा, ये बताइए कि पूरे BBS के कैलकुलेशन में जब तक क्लासेस चल रही थी उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जैसे कॉलम में बार निकालना फुटिंग में, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम आया आपको? प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोगों को बस मेहनत करने की जरूरत है, जितना अच्छा मेहनत जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से तरीके से आप BBS निकाल पाएंगे बस जितना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैंक जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ट्रेनी है ये भी शिवम है, आप सर अपने बारे में बताइए और बताइए आप क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स को। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम भी शिवम पांडे है, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और मुझे सिविल गुरुजी के बारे में यूट्यूब से ही पता चला। अच्छा, फिर वहाँ से देखने के बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आप आके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, जो कि हम लोग अपने ग्रेजुएशन के टाइम नहीं सीख पाते कॉलेज के टाइम पे, वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से सिखाया भी जाता है। तो सर मैं वही वन वे स्लैब को इलैबोरेट करके और अच्छे से बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक वन वे बेसिकली स्लैब दो टाइप का होता है, एक वन वे होता है एक टू वे होता है। हाँ। तो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है उसको हम पता कैसे करें कि ये वन वे है या टू वे है?
तो उसका तरीका ये होता है ना कि जो हमारा जिस कोई भी स्लैब होगा तो उसका दो स्पैन होता है, एक लॉन्गर स्पैन होता है एक शॉर्टर स्पैन होता है। तो जब हम लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन करते हैं अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू टू होता है तो वो वन वे स्लैब होता है, और यही रेशियो अगर स्मॉलर देन टू हो जाएगा तो वो टू वे स्लैब में चला जाता है। तो ये तो बात हो गई वन वे टू वे की। वन वे में करते क्या है, इसमें बेसिकली जो होता है चार टाइप्स की बार पड़ती हैं। एक होता है ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार होता है, दूसरा होता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये जो होता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार ये पूरे स्लैब पे पड़ता है, पूरे मतलब उस पे पड़ेगा ये लॉन्गर स्पैन की, हाँ लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग। और जो थर्ड टाइप की बार होती है वो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये सिर्फ ऊपर के जो हमारा क्रैंक पोर्शन होता है जहाँ पे बेंड करते हैं बार को वहाँ पे पड़ती है सिर्फ ये। और फिर आती है जो टॉप एक्स्ट्रा बार, ये कहाँ पे पड़ती है, जैसे कि हम एक क्रैंक दिए फिर एक छोड़ते हैं फिर दूसरा क्रैंक देते हैं तो दो क्रैंक के बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं। आपने पूरा रिइंफोर्समेंट के बारे में बता दिया। यस सर, कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे थोड़ा और बताइए। सर कटिंग लेंथ का भी तरीका होता है, जैसे कि हमको ये निकालना है, ये हमको दिया हुआ है पूरा बीम है ये हमारा, सॉरी स्लैब है पूरा ये, और ये हमारा कॉलम गया हुआ है दो साइड में। तो इसका कैलकुलेशन सर ऐसा होगा ये कि हाँ ये बीम की चौड़ाई है, मतलब बीम की विथ है ये 250 और दोनों साइड में आ रही है ये, इसलिए 2 इनटू किया हुआ है, फिर 250 माइनस 25 क्या है 25 जो है कवर देते हैं हम लोग, कवर जो है माइनस करेंगे, माइनस करेंगे उसका तभी ये आएगा। फिर ये 2400 क्या है, ये जो हमारा क्लियर कवर है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्लियर स्पैन, हाँ शॉर्टर स्पैन जो है वो 2400 है वो ऐड हो जाएगा। फिर ये क्या आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए होते हैं 0.42H जो क्रैंक पोर्शन होता है ये है 1.42H, इसको सॉल्व करने के बाद जब हम फाइनली लेते हैं तो ये 0.42H आता है। H क्या होता है हमारा, ये हाइट जो आती है ना, ये जो वर्टिकल हाइट आती है ये H होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे बेंड करेंगे ना तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइट निकाले कैसे, अच्छा तो उसका ये तरीका होता है निकालने का, तो वहाँ पर जो है 0.42 हाँ ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके उसमें एच में मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये -2 × 1 × 8 क्या है, ये बेंड डिडक्शन है, क्योंकि जैसे सरिया हम ले रहे हैं तो यहाँ बेंड हो रहा है, ये एक बेंड यहाँ पे आ गया, एक बेंड यहाँ पे आ गया, एक बेंड यहाँ, एक बेंड यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग एक क्रैंक में 45 डिग्री पर दो बेंड आता है, दो बेंड आता है 45 का, तो उसके वजह से उसके हेल्प से हम मेन बार का कटिंग निकाल लेते हैं। तो जैसा कि व्यूअर साहब ने देखा है कि हमारे ट्रेनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वन वे स्लैब को डिस्क्राइब कर दिया है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनी के पास। ये हमारे जय जी है, ये जरा अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये इन्होंने प्रीवियस क्लास में कैसे फील किया है कि नहीं किया, इन्होंने क्या सारी चीज़ें सीखी है और ये कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जय कुमार कुशवाहा है, मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से मुझे शिविल गुरु जी के बारे में पता चला, यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बीपीएस सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने आके यहाँ ज्वाइन किया। तो हमारी आज जो है बीबीएस की क्लास एंड हुई है, तो मैं आपको बीबीएस ऑफ फुटिंग बताने जा रहा हूँ। कैसे पहले आप बताएं कि बीबीएस की क्लास में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें पढ़ाया जाता है। बीबीएस की क्लास में हमें कटिंग लेंथ, फुटिंग का, छज्जे का, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, बीम का फ्रेम बाई फ्रेम कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी लैपिंग कहाँ देनी है, कॉलम में कहाँ लैपिंग देनी है, कहाँ लैपिंग नहीं देनी है, इसके बाद हमें फुटिंग पढ़ाई जाती है, पाइल भी पढ़ाया जाता है हैवी स्ट्रक्चर के बारे में, हैवी पाइल कैप छज्जा, और इसके बाद चेयर भी पढ़ाई जाती है, स्टेयर केस के भी जो बीबीएस कैसे निकलता है इसके बारे में बताया जाता है। तो अभी मैं आपको बीबीएस ऑफ फुटिंग बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे प्लान में हमें दो तरह की फुटिंग दी गई थी, एक फुट उनकी साइज थी 1800x1800 नंबर एक फुटिंग की, और दूसरी फुटिंग की हमारी साइज थी 1500x1500। तो मैं अभी 1800x1800 की जो फुटिंग दी गई थी उसका नंबर ऑफ बार्स कटिंग, उसकी लेंथ ऑफ बार कटिंग लेंथ, और उसका स्पेसिंग नंबर ऑफ बार्स बाई स्पेसिंग जो प्रोवाइड गई है उसमें कितनी बार लगेंगे ये देना है, और उसकी कटिंग लेंथ के बारे में बताया जाए। रैंक डील आउट कैसे करते हैं थोड़ा बताइए कि आर ए फर्स्ट आर ए बी जो लिखा हुआ वहाँ पर प्लेस, जैसे कि हमारी जो सिंगल मैच बार लगेगी फुटिंग में इसका, जैसे जो आर जो एफ डायरेक्शन में बार लगेगी उसे हमने आर ए दे दिया है, और जो वाई डायरेक्शन में बार लगेगी उसे आर बी का नाम दे दिया है। तो इस ऐसे हमने कर दिया है। इसके बाद जो हम जैसे कि हमें पता है कि जो फुटिंग का कवर होता है वो 50 mm होता है, तो हम दोनों साइड से जैसे कि आप देखेंगे जो बार हम प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली यू शेप का रहता है, ठीक है। जो तो इसके बाद क्या होता है, जो जिसके बाद यू शेप में अगर देखें इसकी डेप्थ दी गई है 250 दी गई है, अच्छा। तो इसके बाद 250 mm दी गई है, तो जो डी वन हमारी 250 है तो ऊपर और नीचे से हम 50 mm का जो कवर माइनस करेंगे, कवर इसको माइनस करने के बाद जो इसके अब इसमें जब यहाँ पे अगर आप पीछे आएँ तो देखेंगे कि जो 1800 था हमारा जो लेंथ थी, ठीक है, उसमें से भी जो राइट और लेफ्ट में जो कवर आएगा राइट और लेफ्ट में ये कवर ही माइनस करेंगे जो कि 100 हो जाता है। तो 1800 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो 1700 हमारा आएगा। अच्छा अच्छा,
अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बार लगी है, इस बार का जो डायमेंशन बताया जाता है कि जो साइज क्या है, तो यहाँ देखेंगे 12.5 मतलब 12 एमएम के बार लगी है। इसकी रेटिंग स्पेसिंग दी गई है एट द रेट ऑफ 150 सेंटर सेंटर स्पेसिंग। इस स्पेसिंग से हमें नंबर ऑफ बार निकालने में सहायता मिलती है, और जो कवर से हम माइनस करने से हम लेंथ ऑफ बार निकाल लेते हैं, कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं उनकी। और जो हमारी फुटिंग में बार सिंगल में प्रोवाइड गया है, गया है इस बार। अच्छा अच्छा, ये सर तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो व्यूअर्स, ये जो है हमारी ट्रेनिंग सलूर शुक्ला मार्केट प्रयागराज में चल रही है। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616-1615-14 पर। जय हिंद।